सागर और सरिता जो हमसे बोले हैं, अगर वो झूठ निकला तो हम खुद ही उनको उनका परिवार वालों के पास छोड़कर आएंगे। उसका मतलब शिव को उन दोनों की बात पे भरोसा ही नहीं है। कोई भी भूत दोनों को बचाने का कोशिश करेगा तो वो मरेगा हमारी गोली से। सब इंतजाम कर लिया हमने, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो लड़की सरिता, वो तो नाबालिग है। इनको देखा है कहीं? जी हाँ, पूरा गांव में नाकाबंदी लगवा दीजिए, वो दोनों ही गांव छोड़कर बाहर ना जाने पाए। यहाँ से तो कहीं और जाना पड़ेगा। भाई साहब, आप दोनों लड़का और लड़की को देखे हैं? उनके साथ में ये औरत भी थी। पक्का? अभी एक जवान जोड़ा है हमारी भाभी के साथ यहाँ आए, देखा क्या? नहीं साहब, नहीं देखा। प्रताप, ये बस में एक बार देखिए, तब तक हम पता करते हैं। अरे भाई साहब, आप एक लड़का लड़की को देखे हैं, साथ में ये औरत भी थी, यहाँ से देखिए। हाँ साहब, एक लड़का लड़की को देखा था मैंने, बहुत घबराए हुए लग रहे थे। कहाँ 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 गए वो? ये अभी भी एक लाल गाड़ी में आए थे, इधर गए इस तरफ, बनारस वाले हाईवे की तरफ। धन्यवाद। बनारस हाईवे की तरफ। हाँ, एक काम करो, लड़की के माँ बाप को लेकर बनारस हाईवे की तरफ आ जाओ। हाँ प्रताप, जल्दी आइए। सरिता का ख्याल रखना और अपना भी। मुंबई पहुंच के हमें फोन करना, हमारा नंबर सेव कर लिया ना तुमने? थैंक यू सो मच दीदी। चल जल्दी करो, जल्दी चल। संभल के, तुम दोनों खुश रहो, हमेशा साथ रहो, हम यही प्रार्थना करते हैं। ध्यान रखना। थैंक यू भैया, तुम बहुत मदद कर रहे हो हमारी। इन दोनों को ना बस अगले बस स्टॉप पे उतार देना। हाँ ठीक है, थैंक यू। आजाद पंछी थे, फुर हो गए। अरे कहाँ किए आप? वो लड़की को ढूंढता हुआ शमशेर हमारा गांव पहुंच गया है, जानती हैं आप? कितना गुस्सैल आदमी है शमशेर, अगर उसको पता चला ना कि सरिता को सागर के साथ भगाने में आपने उनका मदद किया है, अरे छोड़ेगा नहीं वो आपको। अरे कुछ तो सोचना चाहिए था, जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम उठाने का क्या जरूरत था आपको? बताइए, जेल हो सकता है आपको, पता है? हम नहीं डरते, तुम उन दोनों का साथ नहीं देना चाहते थे। तुम्हें क्या लगा कि कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा? तुम गलत सोच रहे थे शिव, सच्चे प्यार करने वालों को साथ देने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? अगर जानते होते ना तो सागर और सरिता का साथ जरूर देते तुम। ठीक है, हम नहीं जानते प्यार का होता है, लेकिन आपको पता है सच्चाई का है? वो दोनों झूठ बोले हमसे, वो लड़की नाबालिग है। इतना तो जानते होंगे ना कि एक नाबालिग लड़की को भगाने में मदद करना कितना बड़ा अपराध है। कमाल करते हैं आप, अब कहां गए हैं वो दोनों? गंगा को यहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। दोनों के घर वालों को हाईवे के पेट्रोल पंप के पास ले आओ। आइए आप हमारे साथ, आइए, चलिए आइए जल्दी। मठाधीश की सारी सच्चाई और शराफत का खात्मा हो जाएगा आज।
कौन सा टेम्पो है उनका? ये वाला, ये वो टेम्पो। अरे रुके, गाड़ी रोको, रुको रुको रुको। उतरे तो ना नीचे, आओ नीचे। झूठ का ही बोले तुम? क्या बोले थे? ये लड़की 19 साल का है, नाबालिग है ये लड़की, क्या बोले झूठ? नहीं सर, वो आपसे किसी ने गलत। झूठ बर्दाश्त नहीं करते हम, समझ में आ रहा है? दोनों पीछे जाइए, जाइए पीछे। रुक जाओ शमशेर, आखिर पकड़ में आई गए दोनों। चलो, माना ये लड़की आपका गांव का है, लेकिन ये घटना हमारे गांव में हुआ है, इसलिए जो करना है हम करेंगे। आप लोग जाइए वापस, ये लड़की को हम पहुंचा देंगे आपके गांव में। ये मामला हमारे गांव की इज्जत का है, अगर हम ये लड़के को गोली मार देना तो तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये लड़के तक पहुंचने से पहले आपको हमारा सामना करना होगा शमशेर का। बंदूक लाए ना, चलाइए गोली, अरे मारिए गोली, चलिए चलाइए। सर, हो गया खाली है बंदूक, आइए अपना बंदूक और जाइए अपने गांव वापस। देखिए, आप दोनों भी अपने परिवार में वापस जाइए। लेकिन सर वो लोग, देखिए घबराने का कोई बात नहीं है, हम आप दोनों के माँ बाप से बात करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आपको हमारा बात मानना होगा। जाइए अपने अपने माँ बाप के पास वापस जाइए, चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। देख तेरी बेटी की करतूत देख। अरे सरिता मेरी बच्ची, सरिता मेरी बच्ची। अब होगा असली तमाशा। यही है वो लड़का जिसने मेरी बेटी को भगाने की कोशिश की, मारो इसे। रुकिए प्लीज, मत मारिए सर, तुम इनकी कोई गलती नहीं है, रुकिए ना प्लीज, रुकिए। हीरो की एंट्री। चलो प्रताप बेटा शुरू हो जाओ। क्या कर रहे हो? खबरदार, किसी ने भाई साहब नाम लगाया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई भाई साहब नाम लगाने? हट, ये नाबालिग बेटी को इस बदमाश के साथ भागने में मदद कर रहे थे। किसने कह दिया? अरे आप लोगों को भाई साहब के पैर छूकर उनका एहसान मानना चाहिए। अगर आज भाई साहब ना होते ना तो आपकी बेटी कब की भागी होती, फिर जिंदगी भर उसकी सूरत नहीं देख पाते तुम।
और ना ही किसी को अपनी सूरत दिखा पाते। हाँ पापा, ये हमें रोकने आए थे। माफ कीजिएगा, मैंने गलत समझ लिया आपको, लेकिन इस लड़के को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, तब जानेगा ये एक नादान लड़की को बहकाने का अंजाम क्या होता है। अच्छा, अगर सरिता आपका बेटी है तो ये सागर भी किसी का बेटा है। जितना गलती सागर का है उतना ही गलती आपका बेटी का भी है। ध्यान रखिए ये बात को, और कोनो जबरदस्ती नहीं किया इस सागर आपका बेटी के साथ। वो अपना मर्जी से, अपना खुशी से भागी है इसके साथ। हम मानते हैं कि जो भी इन दोनों ने किया बहुत गलत किया, लेकिन बच्चा है ये लोग, नादान है। आप तो समझदार है, आप तो बड़े हैं। अगर ये लड़का को किसी ने छुआ तक तो आपका, हम इन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे। और अगर ये मामला पुलिस तक किया ना तो याद रखिए, आप दोनों का परिवार का इतना बदनामी होगा कि आप लोगों को गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं, छोड़ दीजिए नहीं ये सब बातें, हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं सागर को कुछ नहीं करूंगा। ऐसा करते इस बात को यही खत्म कर देते, ठीक है? ए, चलो बैठो गाड़ी में, बिठाओ इसका। शिव, तुम्हें तो कितनी चोट। ए, गाड़ी ले गया। हुआ कौन, कुछ काम था का? हाँ, वो हल्दी वाला दूध लेकर आए थे, गरम गरम पी लोगे तो आराम मिलेगा। और माफी भी मांगना चाहते हैं तुमसे, हमारे कारण हुआ है सब। गंगा, आज आपका एक नादानी के कारण कितना लोगों का जान खतरे में पड़ गया, पता है कुछ? वो लड़की के भाग जाने पर पूरा गांव के सामने उसका माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता, और उस सागर, अगर शमशेर का बस चलता ना वहीं पे उसे मार देता। माँ बाप का जवान बेटा चला जाता, कभी सोचे हैं इस बारे में? वो सागर और वो सरिता, जब उनको पहला बार देखे थे ना हम, तभी हम समझ गए थे कि वो सच नहीं बोल रहे। लेकिन नहीं, आपको तो केवल उनका प्यार ही दिखाई दे रहा था। कोनो कारण होगा कि हम तुरंत उन दोनों से मिलने पर उनका मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए। कोनो स्वार्थ के चलते हम ये सब कुछ नहीं किए। देखिए, प्यार का पहचान भी है और प्यार का परख भी है हमको। लेकिन आपका समस्या पता क्या है? आपका समस्या ये है कि आप भावना में बहकर और कोनो कुछ देखना ही नहीं चाहते। हाँ, हम तो बेवकूफ है ना, अकल नाम की चीज तो है ही नहीं हमारे पास। लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो ना, बहुत बड़े ज्ञानी हो, फिर क्यों रोक रखा है तुमने हमें? ये नहीं दिखाई देता कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते? छोड़ क्यों नहीं देते हमें? वैसे भी हमारे कारण रोज कोई ना कोई नई मुसीबत तो आ ही रही है तुम्हारी जिंदगी में, तो जाके बोल दो ना पंचायत से कि नहीं लेना तुम्हें हमारे साथ। इतने महान बनते हो तो थोड़ी महानता भी दिखा दो।
किस लिए? ये आपके लिए गंगा भाभी, आप भूल गए का? आपने तो कहा था कि अगर फिर भाई साहब 5 दिनों में अपना वादा पूरा करेंगे तो आप मंगलसूत्र पहन लेंगी। और 5 दिन जल्दी से खत्म होने वाले हैं और भाई साहब भी अपना वादा पूरा करने वाले हैं, तो अब आपका ब्याह होने वाला है। इसीलिए हम अभी से आपके ब्याह की तैयारी कर रहे हैं और खुफिया मना रहे हैं। बजाओ बजाओ। आज किस उपलक्ष में ये ढोल वाला को बुलाए हैं? जी अरे क्या कर रहे हैं? भाई साहब आशीर्वाद दीजिए, हमारा 3 महीना पूरा हो गया है ना, तो इसी खुशी में। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आप दोनों के साथ, हम तो बस ये प्रार्थना करते रहते हैं कि जल्द से जल्द ये हवेली में एक छोटा बच्चा का किलकारी गूंजे बस। कितने खुश हैं शिव ये सोचकर कि इनके मन का हो जाएगा, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे प्यार, मेरे उम्मीद के इस दिए को कभी बुझने मत देना गंगा। हमने ना तो उस छोटी सी उम्र में अपने दोस्त का साथ छोड़ा, ना आप छोड़ेंगे। बस एक ही शर्त है कि तुम हमारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाओगे। हम अभी आते हैं। हाँ भाभी, आज तक हम तुम्हारी मदद लेने से मना करते रहना झुमकी, लेकिन आज हम खुद कह रहे हैं तुम्हें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम शिव के साथ नहीं रहना चाहते, इस घर से, इस रिश्ते से मुक्ति चाहते हैं। बोलो तुम्हारी मदद करोगी झुमकी? इतनी बात बोल के हमें फर्मिंदा मत कीजिए। छी छी, आप हुकुम कीजिए, बताए का बताए। मतलब हम बोल ही नहीं पा रहे, शब्द ही नहीं निकल पा रहे। वाइफे आपका दिमाग है ना, कंप्यूटर पे ज्यादा तेज चलता। हम बता रहे हैं, बढ़िया प्लान है आपने, इधर हुकुम किया, समझो आपका काम वहां हो गया। आप है ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बढ़ जाइए, बच्चों को पढ़ाइए और हम सब संभाल लेंगे, भरोसा कीजिए। ठीक है, जाइए। हमने वचन लिया जिंदगी भर अपने सागर की विधवा बनकर रहेंगे, उसकी यादों के सहारे, और ये वचन हम पूरा करके ही रहेंगे, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, कितने चूहे खाओ, मैं तो हो गई इतनी बूढ़ी, किसके पीछे जाऊं? दुआ बोला मैं क्या जानू, तुम सच्ची या झूठी, मुझे खाने का मन बना कर बातें करती मीठी मीठी। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, मैं चूहे खाऊं। अगर तू मुझे खोना भी चाहे ना, तब भी मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। आज आप साबित करते हैं कि वो 7 वचन आप सिर्फ कहने के लिए नहीं लिए थे, बल्कि उन वचन को पूरा करना और निभाना आप अपना धर्म समझते हैं। हाँ, क्या हुआ?
वो बुला रहे आपको। एक काम करो, तुम लोग वापस से कविता पढ़ो, हम अभी आते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, थैंक यू। अरे काम हो जाने के बाद हमें थैंक यू भी बोलेगा और एक अच्छा सा गिफ्ट भी दे दीजिएगा। वैसे आपका काम तो हम जो हो ही गया। हमें तो बस शिव के साथ इस अनचाहे रिश्ते की कैद से बाहर निकलना है। अरे कहाँ कहाँ गायब हो जाती है ये? बच्चों को आज जल्दी छोड़ दीजिएगा, तभी आज भाई फाप की इज्जत का मटिया मेट करने का काम होगा। एक बात अच्छी तरह समझ लो जिंकी, हम सागर की विधवा बनकर रहना चाहते हैं और ये सब हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं, समझ में आया ना? आप जो चाहती हैं वही होगा।